हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। नो ड्रामा, नो पेड व्यूज, ओनली ऑनेस्ट रिव्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुल्लक का सीजन 2 15 जनवरी को सोनी लिव पर अभी रिलीज होना है, लेकिन थैंक्स टू सोनी लिव जिन्होंने पहले से हमारे साथ इसके स्क्रीनर लिंक्स शेयर कर लिए ताकि आप लोगों के लिए मैं गुल्लक के सीजन 2 का एक अर्ली रिव्यू ला सकूं। तो दोस्तों, अब बात करें गुल्लक के सीज़न 2 की, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे टोटल 5 एपिसोड, जहां हर एक एपिसोड की लेंथ 25 से 35 मिनट के बीच में रखी गई है, लेकिन लास्ट एपिसोड ऑलमोस्ट 42 मिनट्स का है। गुल्लक सीज़न 2 के किस्से वहीं से शुरू होंगे जहां सीज़न 1 एंड हुआ था, लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 में भी हर एपिसोड में एक नया इवेंट है, इसलिए आपको सीज़न 1 देखने की ज़रूरत नहीं है सीज़न 2 देखने के लिए। लेकिन अगर आप सीज़न 1 देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट कैरेक्टर्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। एक बार फिर नए सीज़न की शुरुआत होगी मिश्रा जी की फैमिली से, जहां पर फैमिली सेटअप सेम रखा गया है, सिर्फ चेंज आपको दिखेगा अनु में, जो एक टीनेज से मैच्योर लड़का बन चुका है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरा सेटअप, प्रोडक्शन, इवन नरेटिव और इसके ओपनिंग नोट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर रखे गए हैं सीज़न 1 की तरह। तो गुल्लक के सीज़न 2 के हर एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आइए हम आपको बता देते हैं कुछ हाइलाइट्स इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। पॉजिटिव्स की बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा क्लोज टू लाइफ कैरेक्टर्स की। मिश्रा जी की फैमिली एक बार फिर कामयाब रही है आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करने में। जिस तरीके के किस्से हमने सीज़न 1 में देखे थे, उसी टाइप के नए किस्से आपको सीज़न 2 में देखने को मिलेंगे, और पहले सीज़न से और ज़्यादा बेटर आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे जिनसे आप डायरेक्टली रिलेट करेंगे, उन्हें फील करेंगे, और कैरेक्टर्स के साथ जिनके साथ आप सीज़न 1 से ऑलरेडी इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप उसे और ज़्यादा फील कर पाएंगे। परफॉर्मेंसेज की बात करूँ तो जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, वैभव राज और हर्ष मयार सभी ने पहले सीज़न से और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना होगा यहाँ पे वैभव राज के कैरेक्टर को, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया अपने पिछले सीज़न के टीन से इस बार एक मैच्योर्ड एडल्ट में, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस में अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है अपना रोल चेंज, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। म्यूज़िक भी पहले सीज़न की तरह सटल और सूदिंग रखा गया है, जो कि नरेटिव में इजीली इन्वॉल्व हो जाता है। अब बात करूं कुछ नेगेटिव्स की, तो सीज़न 1 के नरेटिव और स्क्रीन प्ले को इतना ज़्यादा सिमिलरली इन्वॉल्व किया गया है सीज़न 2 में कि आपको कहीं कहीं पे कहानी प्रिडिक्टेबल लगने लगती है और आपको लगता है कि ये चीज़ें आपने पहले भी देखी हैं। इसके अलावा जो मम्मी का रोल है, उसको कहीं कहीं पे इस बार बहुत ज़्यादा लाउड कर दिया गया है, जिस वजह से जो सूदिंग कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं बीच में छूट जाता है। इसके अलावा आपको कहीं कहीं पे रिपीटेशन भी नज़र आएगी कंटेंट की, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। ओवरऑल इस सीरीज़ की बात करूं तो एक फुली पैक्ड फैमिली ड्रामा वेब सीरीज़ है, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बेझिझक बैठ के देख सकते हैं। आप किसी भी एज के व्यूअर हैं, आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के, और आप इसके रियल लाइफ कैरेक्टर्स को और रिलेटेबल कंटेंट को काफ़ी एंजॉय करेंगे, और हर एपिसोड का हर इवेंट आपको एक हल्की सी स्माइल दे जाएगा। तो मैं इस वेब सीरीज़ को क्लोज़र टू रियल लाइफ कैरेक्टर्स और रिलेटेबल कंटेंट होने की वजह से आपकी फैमिली और आपको इसे देखने के लिए रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इवेंट और एपिसोड्स के बाद ये डेफिनेटली आपके चेहरे पे एक स्माइल छोड़ जाएगी। अच्छी बात यह है कि आपको इसको देखने के लिए सीज़न 1 देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिमिलर रखा गया है और हर एपिसोड आपके लिए कुछ नया इवेंट लेकर आएगा। तो गुल्लक का सीज़न 2 आपको 15 जनवरी को सोनी लिव पर रिलीज़ होकर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसे देख लेंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सीज़न 2 गुल्लक का कैसा लगा। इसके अलावा हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल वी गेट बैक टू यू विद आर नेक्स्ट रिव्यू, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।